सर, आदि पुरुष और पठान के क्लैश में आखिरकार अब कौन सी फिल्म जीतेगी? जी देखिए, जीतनी तो पठान ही है, और क्लैश हो कहाँ रहा है? एक तरफ वो कार्टून फिल्म आ रही है और इधर पठान आ रही है। ये फिल्म है वो कार्टून को, वो तो टीवी पे आएगी मेरे ख्याल से। हो सकता है PSVS का कोई गेम आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्या तो वो ग्राफिक्स लेके आया है, क्या जबरदस्त VFX देखने को मिल रहा है टीजर में। वही पठान की तो देखिए, पठान की तो बात ही अलग होने वाली है। मोशन पोस्टर ने साबित कर दिया है कि फिल्म जबरदस्त होने वाली है, जबरदस्त। वो देखिए मोशन पोस्टर, अब टीजर का सभी को इंतजार है। अब भैया प्रभास के फैंस लगे हुए हैं कि भैया अब टीजर तो आने दो पठान का, अभी से जबरदस्ती के पठान का सुपर हिट बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। लेकिन भैया आदि पुरुष के टीजर का भी सबने वेट किया था, आपने तो पोस्टर ही इतना खराब दिया था ना आदि पुरुष का। प्रभास को मैं भी पसंद करता हूँ, मैं भी उनकी फिल्में देखता हूँ, लेकिन प्रभास देखिए, प्रभास भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो VFX ही आपने इतना घटिया दिए कि भैया ट्रॉल तो करेंगे ही ना लोग, सभी ट्रॉल कर रहे हैं। लोगों का कितना कनेक्शन था वो, कि रामायण आ रही है और ये सब चीज़ें थी तो लोग कनेक्ट थे बिल्कुल, कि हाँ भैया फिल्म अच्छी होनी चाहिए और ये सब। लेकिन आपने पूरी फिल्म बिगाड़ दी है। VFX वगैरह भी देखिए क्या कर दिया, वो रावण में देखिए आप सैफ अली खान को क्या बना डाला, और वो क्या आप कौन से जानवर किसके ऊपर बैठ के उड़ रहे हैं, वो बैट है क्या है पता नहीं, मतलब कुछ भी कर दिया। वो सोने की लंका दी आपने पूरा, वो ब्लैक ब्लैक कर दिया, मतलब पूरी तो फिल्म आपने बिगाड़ दी है। तो पठान क्यों नहीं, पठान तो छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरी फिल्म भी साथ में आती तो वो भी जीत जाती आपसे क्लैश में, ये आपने हल कर दिया उसका। तो वहीं पठान तो देखिए वैसे ही कमबैक होने वाली है शाहरुख खान की, 25 जनवरी को फिल्म आ रही है। क्लैश तो देखिए वैसे ही नहीं है, 2 हफ्ते का गैप है, तो 25 जनवरी को आनी है पठान, तो मज़ा आएगा। जल्दी 2 तारीख को टीज़र भी आने वाला है। टीज़र ये जो आदि पुरुष के टीज़र ने देखिए, अब वो रिकॉर्ड्स का चल रहा है कि आदि पुरुष के टीज़र ने इतने रिकॉर्ड्स बना दिए, उतने बना दिए, आने तो पठान का टीज़र सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, ये लाइक और व्यूज़ के जितने भी है ना। रुक जाओ, 2 नवंबर को आएगा टीज़र, मज़ा आ जाएगा।